विद्युत का इतिहास, विद्युत कितने प्रकार की होती है और विद्युत किसे कहते हैं, ये तीनों पॉइंट जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखें। विद्युत का इतिहास, विद्युत किसे कहते हैं और विद्युत कितने प्रकार की होती है, ये पूरा जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा विद्युत का इतिहास। विद्युत का इतिहास, विद्युत का इतिहास का मतलब हम लोग जानेंगे कि विद्युत कब उत्पन्न हुई। तो विद्युत का आविष्कार आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। विद्युत का आविष्कार आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसको थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। विद्युत का आविष्कार थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो यूनान के निवासी थे। ये यूनान के निवासी थे और इन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि अगर अंबार को रेशम से रगड़ा जाए ना, तो उससे आकर्षण पैदा होता है, जिससे यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अंबार को रेशम से रगड़ा जाए तो उससे एक आकर्षण पैदा होता है, जिसको यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत का आविष्कार आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। हमारे इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। किसने किया था? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये हम कहाँ के निवासी थे? ये यूनान के निवासी थे। तो हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो है विद्युत क्या है। विद्युत क्या है? तो विद्युत एक प्रकार का बल है, इसे देखा भी नहीं जा सकता और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, इसको छुआ भी नहीं जा सकता है, न इसको देखा जा सकता है, न इसको छुआ जा सकता है। केवल उपकरणों के प्रयोगों द्वारा, किसी उपकरण के प्रयोग द्वारा इसकी उपस्थिति का ज्ञान होता है। जैसे अगर हम कोई बल्ब लगाते हैं, कोई फैन लगाते हैं, जब वो चलता है तभी हमें पता चलता है कि इसमें लाइट है। जैसे अगर कोई खंभे से तार बाहर बाहर गया है और उस तार को हम देख करके नहीं पता लगा सकते कि उसमें लाइट है या नहीं है। तो मतलब विद्युत एक प्रकार का बल है, इसे देख नहीं सकते हम, छू भी नहीं सकते हैं, क्योंकि छूने से पता है आपको क्या होगा। तो इसको छू भी नहीं सकते और ना ही, और इसको इसका पता सिर्फ हम उपकरणों के प्रयोगों द्वारा लगा सकते हैं। मतलब जब कोई उपकरण लगाएंगे, कोई बल्ब लगाएंगे और बल्ब को ऑन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसमें लाइट है या नहीं है। ये हमारी दूसरी पॉइंट हुई। तीसरा पॉइंट हमारा, विद्युत कितने प्रकार की होती है। आपको बता दें, विद्युत कितने प्रकार की होती है? तो विद्युत मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। विद्युत मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला हमारा होता है स्थिर विद्युत। पहला है स्थिर विद्युत और दूसरा हमारा होगा अस्थिर विद्युत। आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पहला जो हमारा स्थिर विद्युत है वो क्या होता है, स्थिर विद्युत। जब स्थिर विद्युत को हम दूसरा नाम घर्षण विद्युत भी कहते हैं, घर्षण विद्युत। जैसे अगर दोनों हाथों की हथेलियों को परस्पर रगड़ा जाए ना, तो उससे एक आकर्षण पैदा होता है, जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं। दोनों हाथों की हथेलियों को परस्पर मतलब आपस में रगड़ा जाए तो उससे एक आकर्षण पैदा होता है, जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं। और हमारा दूसरा अस्थिर विद्युत, यानी वो विद्युत जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। वो विद्युत जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, वो अस्थिर विद्युत होती है। ये जो अस्थिर विद्युत है ना, जिसको हम ले जा सकते हैं, ये भी दो प्रकार की होती है। अस्थिर विद्युत दो प्रकार की होती है, इसमें पहला प्रकार है एसी और दूसरा है डीसी। जो पहला प्रकार हमारा एसी है, इसका नाम आपने सुना होगा कि एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का डायरेक्ट करंट। एसी अल्टरनेटिंग करंट का मतलब प्रत्यावर्ती धारा, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी का मतलब दृष्ट धारा, इसको हिंदी में कहते हैं दृष्ट धारा। तो इसके बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।